Hey guys, what's up? This is Manan Sanwal, back again with a new video. I hope तुम सब सही होंगे, मस्त होंगे और अपने घर में होंगे. So, मुझे नहीं पता यार आज का व्लॉग किसके ऊपर है, बट जो चीज मुझे सबसे पहले करनी है, मेरा बहुत दिनों से बाहर का कुछ खाने का मन कर रहा था, क्योंकि बट हम बाहर तो जा नहीं सकते, तो घर में ही आज मैं बहुत कुछ तड़कता फड़कता बनाने वाला हूँ, और वो है फ्राइड राइस. बट उसके लिए मुझे पहले बाजार जाना होगा, क्योंकि बाजार में चिंग्स का शेजवान मसाला आता है, फ्राइड राइस मसाला 10 रुपए का, वो लेके आता हूँ और उसके बाद फ्राइड राइस रेसिपी बनाता हूँ. तो चलो आज के लिए मैं संजीव कपूर बनता हूँ और फ्राइड राइस रेसिपी तुम्हें दिखाता हूँ. तो चलो चलते हैं बेबी. ओके, तो जो चीज मैं लेने गया था वो है ये चिंग्स का फ्राइड राइस मसाला. ये सिर्फ 10 रुपए का मिलता है और इससे अगर तुम अपने फ्राइड राइस में डालोगे ना, तो इसका लेवल जो होता है बहुत ही अलग हो जाता है. अफकोर्स हमें राइस और वेजीज तो लगेगी, बट उसके अलावा सिर्फ ये मसाला, ना हमें अलग से कुछ सॉल्ट लगेगा, ना कोई भी अलग टाइप का, मतलब जो भी इंग्रीडियंट जो हमारे घर में खाने में पड़ता है वो कुछ नहीं लगने वाला है, सिर्फ ये लगने वाला है. तो चलो बनाते हैं पीसी फ्राइड राइस मैं बनाऊंगा इसके बाद, बट पहले मैं खाना खा लेता हूँ. आज मुझे नहीं पता मैं कितने दिनों बाद, मतलब कितने महीनों बाद मैं पराठे खा रहा हूँ. बहुत महीने हो गए होंगे, 2-3 महीने हो गए होंगे मैं पराठे और कद्दू की सब्जी खा रहा हूँ, तो कुछ ज्यादा महीने हो गए, बहुत ज्यादा महीने. मैं आज इतने टाइम बाद मैं पराठे खा रहा हूँ, तो पहले पराठे खाते हैं उसके बाद फ्राइड राइस बनाते हैं. ओके, फ्राइड राइस के लिए सबसे पहले एक पैन में ऑयल डालो. ध्यान रखना कि ऑयल बहुत ज्यादा ना हो, क्योंकि बहुत ऑयली जो है हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता. तो और उसको हिला लो, फिर ऑयल को थोड़ी देर गर्म होने दो, अच्छे से हिला लो पूरे पैन में, वो हिल जाए और ऑयल पूरा गर्म हो जाए. जब एक बार ऑयल गर्म हो जाए तो हमें उसमें जीरा डालना है, यू नो, छौके के लिए, जैसे हमारे घर में मम्मियाँ दाल के लिए डालती है ना छौका मारने के लिए, तो सेम हमें वैसे छौके के लिए जीरा डालना है. जीरा छौकने के बाद मैंने इसमें डाला है गार्लिक और जिंजर, और जब वो दोनों भी अच्छे से सिक जाए तो हम इसमें सारी वेजीज डाल सकते हैं. अभी मेरे पास यहाँ पे सिर्फ कैप्सिकम है अनियन के अलावा, तो मैं वो डाल रहा हूँ, वरना हम इसमें कैरेट, ब्रोकली, जो सब्जियाँ हम डाल सकते हैं राइस में, वो सब हम डाल रहे हैं. जब आपकी सारी वेजीज चले जाए तो अच्छे से ध्यान रखना कि आप उसको अच्छे से पका लें, क्योंकि अगर वो कच्ची रहेगी तो स्वाद नहीं आएगा. तो पहले मैं इसको पका लेता हूँ, उसके बाद मैं इसमें मसाला डालूंगा. ओके, मेरी सब्जियाँ तैयार है, तो अब हम ये पुट करेंगे सेजवान का फ्राइड राइस मसाला. मैं थोड़ा पूरा डालने से थोड़ा सा कम रखूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ अपने लिए बना रहा हूँ, सो मैं पूरा नहीं डालूंगा, थोड़ा रखूंगा. उसके बाद इसको अच्छे से मैश कर लेना है. अभी ये थोड़ा चिपकेगा भी, बट हम इसमें वाटर डाल के इसकी ग्रेवी टाइप में बना देंगे, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. मैंने इसको अच्छे से मिक्स करने के लिए इसमें मैंने वाटर डाल लिया है. वाटर से इसका जो भी मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा और इसमें एक ग्रेवी टाइप बन जाएगी. सो अब अच्छे से मिक्स हो गया है, तो इससे हमारा राइस जो है रेडी रहेगा, रेडी बन जाएगा. राइस डालते ही ये पूरा रेडी हो जाएगा. दूसरी चीज गाइस, अपना राइस भी रेडी रखना, क्योंकि जैसे ये राइस आपका रेडी होगा तो आप इसमें डाल दोगे ठंडा राइस. गरम राइस आप डालोगे ना तो वो उतना स्वाद नहीं देता, ठंडा पहले से आप बना के रखना तो वो ज्यादा अच्छा रहता है. क्योंकि अब मेरी ग्रेवी बन चुकी है तो मैं इसमें राइस डाल रहा हूँ और इसको मिक्स कर रहा हूँ अच्छे से. और ओके, मिक्स करने के बाद हमारा फ्राइड राइस कुछ इस तरह हो जाएगा. मेरे पास इस समय वेजीज थोड़ी कम थी, तो मैंने सिर्फ कैप्सिकम और अनियन डाला है, वरना तुम इसमें ब्रोकली, बीन्स, कुछ भी डाल सकते हो जो जो फ्राइड राइस में पड़ती है, तो इससे और तगड़ा स्वाद आ जाता है. इसने सिर्फ 10 मिनट लिए मुश्किल से तैयार होने में, और 10 रुपए का मसाला खर्च करना पड़ा और 10 मिनट लगे, और अब हमारा पूरा हेल्दी फ्राइड राइस जो है रेडी है. और तुम मानो नहीं मानो ना, लेकिन इसका टेस्ट बहुत तगड़ा होता है. एंड यस, टेस्टी एंड हेल्दी फ्राइड राइस इज रेडी. पता है इसका टेस्ट ना, जो हम रेस्टोरेंट में खाते हैं या हम बाहर ठेलों में जाके जब खाते हैं ना, उसका मैच करता है बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो 10 रुपीज वाला सेजवान फ्राइड राइस मसाला है ना, उसका टेस्ट अलग ही लेवल हो जाता है. तो चलो एंजॉय करता हूँ, तुम भी बनाना, तुम भी एंजॉय करो. फ्राइड राइस देख किसी और को भी खाने का मन कर गया है ना, तेरे को भी खाना है फ्राइड राइस, खाएगी तू भी, खाएगा, रुक जा अभी. अगर तुम देखो तो मौसम जो है कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो गया, मतलब यू नो तूफान आने के हो रहा है, बहुत भयंकर मौसम हो गया है अगर तुम देखो चारों ओर. तो
सिर्फ मौसम भयंकर हो रहा है, पता नहीं बारिश कब होगी। हो जा भाई हो जा, पता नहीं कब होगी। इतनी देर से मौसम ही खतरनाक हो रहा है, बारिश हो नहीं रही है। ओके, बहुत ही तेज बारिश शुरू हो गई। सुबह से मौसम गरज रहा था लेकिन अब जाके बारिश हुई। बहुत तेज हो रही है यार, बहुत ज्यादा ही तेज हो गई। ओके, बज सिर्फ 4:30 रहे हैं लेकिन मौसम ऐसा हो गया है अंधेरा वाला कि लग रहा हो जो कितनी जो शाम हो गई होगी, 7-8 बज गए होंगे। अरे भाई साहब, यहाँ यहाँ तक पानी आ रहा है। मैं घर के अंदर तक खड़ा हूँ तब भी इतना ज्यादा पानी आ रहा है। ओ भाई, घर के पीछे तो तालाब बन गया। 5 बज रहे हैं लेकिन बारिश इतनी भयंकर हो रही है, पूरा तालाब बना दिया उसने। ओके, एक बड़ी कमाल की चीज हो रही है। मैं इस टोस्टर के अंदर जैसी ब्रेड डाल रहा हूँ ना, तो ये टोस्ट ही नहीं कर पा रहा उसको। मतलब मैंने जैसे इसके अंदर ब्रेड डाला, ये खुद ऑटोमेटिकली कुछ सेकंड बाद खुल जा रहा है। इसका रीजन ये है, ये ब्रेड का साइज नॉर्मल ब्रेड से कुछ ज्यादा ही बड़ा है। नॉर्मल ब्रेड थोड़ी छोटी होती है, ये कुछ ज्यादा बड़ी ब्रेड आ गई है, तो ये इसको ले ही नहीं पा रहा है। ये बंद होता है और कुछ सेकंड में ऐसे ही खुल जा रहा है, तो ये साइज में कुछ ज्यादा ही बड़ी ब्रेड आ गई है। और बंद कर करके पता नहीं इसमें क्या बन गया है, क्रॉस डबल लाइन। मैंने बार बार घुमा दी ब्रेडों को। ओके, अभी शाम को 6 बज रहे हैं और मैं ब्रेड खा रहा हूँ। दिन में मैंने फ्राइड राइस खाया। मतलब बारिश वाला इतना तगड़ा मौसम हो रहा है तो कुछ खाने का तो बनता है ना बॉस। बट हियर इज द थिंग, हमेशा मेरे खाने से ज्यादा एक्साइटेड एक जना और होता है, और वो है हमारी प्यारी एना। इसको हर चीज खानी है, हम कुछ भी खाए, हम नमकीन खाए, बिस्किट खाए, ब्रेड खाए, हर चीज खानी है। ये कुछ ज्यादा लालची है और इसी के लिए हमेशा अपना साथ, अगर मैं कुछ खा रहा हूँ ना तो इसके लिए भी एक स्टॉक लेके चलना ही होता है ताकि इसको दे सकूं। अभी इसके मुंह के आगे ब्रेड रखूंगा तो ये देखो, अगर मैं तुझे नहीं दूं तो क्या करेगी? ओए तू तो राल टपका रही है। तेल्ले भी लाया हूं, तेल्ले भी लाया हूं, एक अलग से ब्रेड मैं इसके लिए भी लाया हूं। बट मैं इसको तुम्हें दिखाता हूं, इसके एक्सप्रेशन दिखाता हूं कि मैं इसके मुंह के आगे रखूंगा, इसको कुछ देर के लिए देता नहीं हूं, दिखाता हूं क्या करती है ना। ब्रेड खाएगी, तेरे मुंह को क्या हो गया? ओए लालची, तेरे मुंह को क्या हो गया? ये दिन में तो खाया यार तूने फ्राइड राइस, और अपना खाना भी खाया दिन का, मत खा यार प्लीज, ले खा ले। एनु जंप ना 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 ना। तेरे को क्यों खाना है पहले ये बता। हर चीज जो हमें खानी है वो तुझे भी खानी है, क्यों? ऐसा क्यों है बता मुझे, ऐसा क्यों? हमेशा तुझे क्यों खाना है सब कुछ है? अरे यार तू तो राल टपकाने लग गई, चल ले ले ले, मजाक कर रहा हूं, खा खा ये लेट के दबा के खा। खा लिया, हैप्पी, खुश, ठीक है। सो बस यही है सब मैंने इसको दिया, और ये लालची की तरह इसको खाना ही है। हर चीज इसको खानी है, जो चीजें मैं दूंगा वो हर चीज मान लो इसको खानी ही खानी है। सो या इस व्लॉग को भी करते हैं यहीं पे एंड आई होप तुम लोग को मेरा व्लॉग देखने में मजा आया होगा। अगर आया है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग माय प्रीवियस व्लॉग अगेन एंड अगेन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे सेक्सी बेबी, पीस आउट। ओके, एक चीज और, मैं तुम्हें लाइक कॉमेंट और शेयर कहने के लिए भूल गया। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक भी मारो, शेयर भी करो, कॉमेंट भी करो। मैं तुमसे मिलता हूँ बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक स्टे एट योर होम।